So hey guys, what is up? This is Pokemon Assemble and welcome to the channel Pokemon Assemble. So आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार. So वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि आप पूरा वीडियो को समझ सकें. So let's start the video. So guys, Pokemon Journeys अब संडे से नहीं आएगा. अरे अरे दुखी मत होइए. संडे से नहीं आएगा का मतलब उसका टाइम स्लॉट चेंज हो गया है. सो गाइज, पोकेमोन जर्नीज का टाइम स्लॉट चेंज हो गया है. 9th अक्टूबर से मतलब संडे से, संडे को अब पोकेमोन जर्नीज नहीं आएगा. उसका टाइम स्लॉट चेंज होके फ्राइडे को 7 बजे आएगा, 6:55 पर. और ये बात ऑफिशियली एनी पोके ने हमें ट्वीट करके बता दिया है. सो गाइज, याद रखना, अब से संडे को नहीं फ्राइडे को आएगा पोकेमोन जर्नीज 9th अक्टूबर से. सो गाइस, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप पोकेमोन के नए नए अपडेट्स सबसे पहले देख सकें. सो गाइस, हमारा दूसरा अपडेट है ये कि गो जल्द ही एक जैपडोस को पकड़ने वाला है. जी हाँ, गो जैपडोस को पकड़ने वाला है. जैसा कि हमें दिखा था सेकेंड ओपनिंग में, मतलब पोकेमोन जर्नीज का सेकेंड ओपनिंग में गो एक जैपडोस को पकड़ते हुए दिखा था हमें. सो गाइज, वही होने वाला है एपिसोड 40 में. एपिसोड 40 में एस और गो जाने वाले हैं एक पावर प्लांट में. और जैसा हमें पता है, सभी एनिमेज और गेम्स में पावर प्लांट में ही जैपडोस को ज़्यादातर दिखाया जाता है. हो सकता है गाइज कि गो सिर्फ जैपडोस को पकड़ने की कोशिश करेगा और वो पोकेबॉल में आ भी जाएगा, पर वो निकल जाएगा, मतलब जैपडोस पोकेबॉल से बाहर निकल जाएगा और फिर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि गो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो जैपडोस जैसे एक लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ सकता है. तो मेरे ख्याल से तो भाई गो सिर्फ कोशिश करेगा पकड़ने की, पर पकड़ नहीं पाएगा. सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही और ये है आज का पोके क्विज. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.